हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका जेएनयू ब्लॉग्स में। तो सबसे पहले मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि पीछे ये जो आप देख रहे हो, ये है आपका जेएनयू का कन्वेंशन सेंटर, जहाँ आपका एडमिशन होना है। अभी जो आप काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं 1 नवंबर से 4 नवंबर तक, तो ये पीछे आप देख रहे हो यहीं पे लाइन लगेगा काउंसलिंग के लिए। जो भी आपका एडमिशन का जो लाइन है वो यहीं पे लगेगा, और यहीं पे जेएनयू का जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहीं पे पीछे होना है। और इसके अलावा आज हम वीडियो में बात करेंगे कि हॉस्टल आपको कब मिलेगा, डॉर्मेट्री कब मिलेगा। जैसे कि आप अभी आओगे काउंसलिंग के लिए, तो क्या आपको उस दौरान हॉस्टल मिल जाएगा, डॉर्मेट्री मिल जाएगा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा भी हम जो हॉस्टल चार्जेस है, जो मेस चार्जेस है, हम इस पर भी बात करेंगे। तो आप वीडियो का अंत तक जरूर देखना ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन पता चले, जो भी फी स्ट्रक्चर है एडमिशन का जो यहाँ पे होना है, उसके बाद हॉस्टल का मेस चार्जेस, और MCM भी आपने सुना होगा JNU में मिलता है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि किन किन लोगों को MCM मिल सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैंने हॉस्टल्स पे भी वीडियो बनाया है, हॉस्टल का जो मैस है, जो हॉस्टल के कमरे हैं। वाले गर्ल्स हॉस्टल का तो मेरे पास कमरे का नहीं है, पर वही है, लगभग वही रहता है, क्योंकि कुछ कुछ कंबाइंड हॉस्टल्स है, गर्ल्स बॉयज़ कंबाइंड हॉस्टल है, पर यह है कि गर्ल्स का अलग विंग है, बॉयज़ का अलग विंग है। गर्ल्स विंग में बॉयज़ जा नहीं सकता है, तो अलग है, पर यह कि कंबाइंड हॉस्टल है, मैस एक है। कुछ कुछ इंडिविजुअल हॉस्टल है, जैसे आपका कोयना हो गया, आपका सिप्रा हो गया, आपका गंगा हो गया, आपका गोदावरी हो गया, तो ये सारे इंडिविजुअल्स गर्ल्स हॉस्टल है। इसके अलावा कुछ कुछ हॉस्टल्स जो है गर्ल्स हॉस्टल, वो बॉयज़ हॉस्टल के साथ कंबाइंड है। तो मैंने, मेरा जो ताप्ती हॉस्टल है वो कंबाइंड हॉस्टल है, तो उस पर मैंने डाला हुआ है वीडियो, आप देख सकते हैं। हॉस्टल का जो भी मैंने पूरा बनाया हुआ मेस रूम सब कुछ, वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप हॉस्टल देख सकते हैं, जेएनयू का हॉस्टल कैसा है। इसके अलावा एक बात और, अभी आप जो एडमिशन लोगे तो फिर मैंने ऑप्शनल की बात कही थी कि आपको ऑप्शनल्स करना पड़ेगा, यहाँ पे 24 क्रेडिट का, 24 क्रेडिट्स 8 ऑप्शनल। तो ये वीडियो मैं भी बनाया हुआ हूँ, अभी रिसेंटली मैंने बनाया था, तो आपके लिए ज़रूरत पड़ेगा इस वीडियो को देखना, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से आपको ऑप्शनल करना है, कितना ऑप्शनल लेना है आपको। तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो हॉस्टल का और ऑप्शनल कोर्स का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, और आप इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अभी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए वीडियो। चलिए पॉइंट नंबर एक, हम हॉस्टल और डॉर्मेट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं गया था IHA, यहाँ जो डीन ऑफ स्टूडेंट है, जहाँ से IHA से आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होता है, तो वहाँ पे मैंने पता करा, तो वहाँ पे ये बताया गया कि आपको एडमिशन के जस्ट बाद आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा और ना ही आपको डॉर्मेट्री मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आपका जो क्लासेस जो स्टार्ट होना है वो होना है आपका 21 नवंबर से। तो अभी आपको एडमिशन लेके आपको फिर अपना घर चले जाना है, या अगर आप दिल्ली में भी रहना चाहेंगे तो रह सकते हैं, क्योंकि JNU के बगल में जस्ट गेट के बाहर ही एक मुनीर का विहार करके नाम है, मुनीर का नाम है मार्केट का, और वहाँ पे आपको PG मिल जाएगा, आपको रूम्स मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी चाहो तो स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर JNU में आपके फ्रेंड्स हैं तो वहाँ पे भी आप साथ में स्टे कर सकते हो। तो चलिए हॉस्टल मिलने की बात कर रहे हैं हम, तो एडमिशन जो आपका होना है यहाँ, उसके बाद जो आपको हॉस्टल मिलता है वो रैंक वाइज, और इसके अलावा पॉइंट जो होता है, जो कैटेगरी होता है, जो क्वार्टल पॉइंट होता है, तो बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो ऐड होता है आपके हॉस्टल पॉइंट्स में, तो उसके बाद आपको मिलता है हॉस्टल। तो एडमिशन के जस्ट बाद आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे बात मतलब बताया गया है, जहाँ पे जब मैं IHA में जाके मैंने पूछा। तो अगर किसी को मिलता भी है तो फर्स्ट रैंक वाले को, अगर सबसे अच्छा पॉइंट आता है उसका हॉस्टल में, तो पर सडनली नहीं मिलता है, उस पर भी आपको टाइम लगेगा। और रही डॉर्मेट्री की बात, तो JNU में कई सारे डॉर्मेट्री है, डॉर्मेट्री का मतलब यहाँ पे होता है कि एक बड़ा हॉल है, उस हॉल में काफ़ी सारे बेड्स मतलब लग जाएंगे, आप रह सकते हो वहाँ पे। तो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि अगर आप डॉर्मेट्री के लिए अप्लाई करोगे, डॉर्मेट्री लेना चाहोगे, तो फिर आपको जो हॉस्टल मिलने का चांसेज है, जो भी 3 से 4 महीना का पीरियड होता है जो उसके बाद आपको हॉस्टल मिलेगा, तो फिर आपको हॉस्टल हो सकता है आपको और भी लेट मिले, क्योंकि आपको डॉर्मेट्री मिला हुआ है, और जिन्होंने डॉर्मेट्री नहीं लिया उसको फिर आपसे पहले हॉस्टल मिल जाएगा। तो आप इसका दोनों साइड है, डॉर्मेट्री लेने का, अगर लेते हो आप तो हो सकता है कि आपको हॉस्टल बाद में भी मिले, थोड़ा और लेट मिले, जब आपको हॉस्टल मिलना रहेगा हो सकता है उससे भी लेट हो जाए।
और अगर आपको अर्जेंट है, डॉर्मेट्री लेना है, रहना है, तो आप रह सकते हो, ऐसी बात नहीं है। डॉर्मेट्री भी अच्छा है यहाँ का, रहने लायक है, काफ़ी सही है सारा कुछ। आपको फिर मैस में भी जाके आप साथ में खा सकते हो, उनका जो हॉस्टल का मैस है, जहाँ जैसे माही मांडवी में एक डॉर्मेट्री है आपका, इसके अलावा और भी कई सारे डॉर्मेट्रीज है, तो ये प्रोसेस होता है। तो बेहतर होगा अगर आप जैसे कि अभी अगर एडमिशन के टाइम आप पूरा सामान ना ला करके एडमिशन ले लीजिए, फिर जाके घर में जो 20-21 दिन है आप वहाँ पे घर पे छुट्टियाँ मनाइए, क्योंकि फिर आप तो JNU आपको आना ही है, फिर आप JNU का लाइफ जियोगे। तो इट्स अप टू यू कि आपको सामान लेके आ जाना है, आपको बाहर रहना है या फिर किस तरीके से रहना है, तो ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। या फिर JNU में आपके फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ भी रह सकते हैं। तो ये रहा आपका हॉस्टल का प्रोसेस, जो भी आपका हॉस्टल मिलने का और डॉर्मेट्री का। पॉइंट नंबर टू, जो हॉस्टल का क्या फीस होता है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हॉस्टल का जो मेस चार्जेस है आपका, वो पर महीना आपको करीबन 2,000 से 3,000 रुपये पड़ जाता है। गर्ल्स हॉस्टल का बहुत कम जाता है, आपका 1800 भी जाता है, आपका 2000 भी जाता है, पर बॉयज़ हॉस्टल में थोड़ा ज़्यादा जाता है, आपका करीबन 2500 भी जा रहा है, आपका 3000 भी जा रहा है। और ये डिवाइड होता है सब में, कहने का मतलब है कि आपको जितना खाना है, खाना का यहाँ पे क्वांटिटी का कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से खा सकते हैं। और इसके बाद आपका जो मेस बिल जो आता है, वो पर महीना जब महीना लग जाता है उसके बाद डिवाइड होता है जितना स्टूडेंट से उससे, उसके बाद देखा जाता है कि एवरेज में पर लोगों पे कितना बैठ रहा है मेस बिल, तो करीबन वही 2,000 से 3,000 रुपये बैठता है पर मंथ का। और इसी के साथ हम पॉइंट नंबर 3 पे बात करेंगे कि MCM क्या होता है JNU का, MCM किन किन लोगों को मिलता है। तो देखिए, MCM के लिए जो क्राइटेरिया है आपका, वो है आपका कि आपके गार्जियंस का जो इनकम है वो आपका 2,50,000 होना चाहिए एनुअल इनकम, तो आपको MCM मिलेगा। यहाँ पे MCM का कोई कैटेगरी नहीं है, MCM सबको मिलेगा। ओनली आपका जो इनकम सर्टिफिकेट आपको लगता है आपको MCM अप्लाई करने के टाइम आपके गार्जियंस का, और उसमें जो एनुअल इनकम है वो मेंशन होना चाहिए, नॉट मोर देन 2,50,000, लेस देन 2,50,000 और 2,50,000, ये अगर आपका रहता है इनकम सर्टिफिकेट में आपके गार्जियंस का, तो फिर आपको MCM मिलेगा। और MCM जो है आपको 2,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। तो जो मेस बिल है आपका 2,000 से 3,000 या 2,500 से 3,000, वो MCM जब आपको मिल जाता है तो वो मैनेज हो जाता है। तो MCM भी आपका पर महीना नहीं आता है, आपको 3-4 महीने बाद या सेमेस्टर बाद ही आपको मिलता है MCM। लेकिन सबसे अच्छी बात JNU मेस का कि आपको पर महीना भी आपको मेस बिल देना नहीं पड़ता है, आपको मेस बिल भी चाहो तो आप पर महीना भी दे सकते हो, या फिर आप जब सेमेस्टर ख़त्म हो जाए तो 6 महीने का आप एक साथ दे सकते हो, और उस टाइम आपको MCM भी मिल जाता है। तो ये सबसे अच्छी बात है JNU का, कम पैसे में आपका जो है मतलब चल जाता है लाइफस्टाइल जो है। निजी खर्चा आप जितना करो वो आप पे डिपेंड कर। और हॉस्टल जो, जब आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होता है तो आपको हॉस्टल का लिए आपको जो है आपको 6,000 जो सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है, आपको 6,000 आपको पे करना पड़ता है। लेकिन आप JNU जब छोड़ोगे, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो वो 6,000 आपको वापस मिल जाता है। और इसके अलावा जो आपको हॉस्टल चार्जेस है, रूम चार्जेस, वो बहुत ही कम है। आपको पर सेमेस्टर का वही 1500 पे करना पड़ता है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, आपका जो न्यू सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन होगा उसके दौरान आपको 1500 रुपया पे करना पड़ता है हॉस्टल में। तो वो उसमें सारा चार्जेस आपका हॉस्टल का इंक्लूडेड रहता है, जो भी सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ओवरऑल, तो वो 1500 आपका जो है बहुत ही कम है। और आपका रहा जो ट्यूशन फीस है JNU का, जो आपने अभी सीट ब्लॉकिंग के टाइम जो भी आपने पे किया था, आपने करीबन 250 रुपीज़ या जो भी 200, करीबन वही 200 to 300 के बीच में ही रहता है आपका जो ट्यूशन फीस है आपका पर सेमेस्टर का, तो वो आपका था ये पहला सेमेस्टर के लिए। लेकिन अब जब दूसरे सेमेस्टर में जाओगे तो उसका आपका जो ट्यूशन फीस है वो और भी कम हो जाता है, करीबन 175 के अप्रोक्स आपको देना पड़ेगा। तो JNU में जो खर्चा है आपका बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही मिनिमम है। तो इसीलिए अगर आप अपने लाइफस्टाइल पे ज़्यादा खर्चा करते हो, आपका पर्सनल जो भी आपका खर्चा है वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना करते हो। लेकिन इसके अलावा जो JNU का जो हॉस्टल चार्जेस है, जो आपका ट्यूशन चार्जेस है, जो एडमिशन चार्जेस है, आपका बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमम है। और सबसे फीमेल स्टूडेंट के लिए भी मैं एक बात बताना चाहूँगा, क्योंकि कुछ कमेंट्स में आया भी था कि क्या JNU सेफ एंड सिक्योर है, तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल निश्चित रहिए, JNU 100% सेफ सिक्योर है। यहाँ पे रात के 12 बजे भी, रात के 2 बजे भी आपको जो फीमेल स्टूडेंट है वो आपको लाइब्रेरी में दिखेंगे, अनसिक्योर वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिक्योर है, सेफ है। और गाइज, अगर डॉर्मेटरी आपको डॉर्मेटरी मिल जाता है थोड़ा जल्दी हॉस्टल से पहले, तो अगर डॉर्मेटरी आपको भी मिलना होगा ना, तो वही
आपको जब क्लासेस आपका स्टार्ट होगा तो उस टाइम हो सकता है कि आपको डॉर्मेटरी मिल जाए, नाम आएगा लिस्ट में, मजा आएगा आपको जेएनयू में। काफ़ी अच्छा है यहाँ पे ओवरऑल हर तरीके से, आपको एक अलग ही कल्चर, अलग ही दुनिया दिखेगी जेएनयू का। और जेएनयू जो है काफ़ी खूबसूरत है, आपने मेरे लास्ट वीडियोस में भी देखा होगा, मैं शॉर्ट वीडियोस भी डालता हूँ क्योंकि कुछ कुछ स्कूल्स का कुछ कुछ जो भी सीनरी है यहाँ का, नेचुरल जो ब्यूटी है उस चीज़ का, तो उससे आप देख सकते हो कि जेएनयू काफ़ी ज़्यादा अपने आप में खूबसूरत है। यहाँ पे नेचर का जो ब्यूटी है वो आपको दिखेगा। दैट्स इट गाइज, और इसके अलावा जो भी आपका क्वेरीज है आप कमेंट्स में बताएं। अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें अगर नहीं किए हैं तो, क्योंकि आपको बहुत अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन जेएनयू का जो भी अपडेट्स है आपको इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। बाय बाय।